पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में धुआंधार खिताब, तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन की सियासी मौत करार दे दिया, अपोजिशन पर सख्त तनकीद, सिंध का दौरा करने का ऐलान, कहा पहला टारगेट आसिफ अली जरदारी है, नैब बुलाता है तो शहबाज और जरदारी की कमर में दर्द हो जाता है, बिलावल और फजलुरहमान पर भी तंज कर गए, कहा तहरीक अदम एतमाद फेल हुई तो तुम 2000 लोग नैब ऑफिस लाओगे, मैं 1,00,000 अफराद लेकर आ जाऊंगा। अगली बारी मैं आ रहा हूं अंदरूने सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट, लिखा कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, हमें कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का मिशन, वजीर आजम का दौरा कराची, बहादराबाद में MQM रहनुमाओं से मुलाकात, वजीर आजम के साथ हैं जब ही तो वो वजीर आजम हैं, खालिद मकबूल कुछ ना कहकर भी सब कह गए। खालिद भाई आप अपने वजीर आजम का साथ देंगे या नहीं देंगे? वजीर आजम का साथ दें, अभी तो वो वजीर आजम है। अभी तक कोई मुतालबा नहीं रखा, उन्होंने कहा आप हमारे पास आए हैं, आज आप हमारे घर आए हैं, हमें खुशी है, कोई मुतालबा न शिकवा, हम आपके साथ हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की समा से गुफ्तगू, कहा MQM ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार कर दिया, न कोई मुतालबा किया न कोई शिकवा। और हैदराबाद में MQM का जोनल ऑफिस 5.5 साल बाद खुल गया, लेकिन MQM रहनुमा आमिर खान को खबर नहीं, अदम एतमाद की तहरीक पर सवाल हुआ तो बोले हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ऑप्शंस खुले हैं।